गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के प्रोसेस को सीखेंगे और जानेंगे कि इंटरमीडिएट में एग्जामिनेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले हम लोग कोई भी ब्राउजर्स को ओपन करेंगे। ब्राउजर्स को ओपन करने के बाद jlcollegehajipur.ac.in ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे यह स्क्रीन आपका खुलेगा। यदि बच्चा जिस समय एडमिशन लिया था उसी समय उन्हें यूजर नेम और पासवर्ड से जिस लॉगिन से क्रिएट किए थे वही लॉगिन वह देंगे। देने के बाद पासवर्ड देंगे। अगर बच्चे भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर वह क्लिक करेंगे और अपना जॉब परफॉर्म करेंगे। अगर याद है तो वह अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपना मोबाइल नंबर चेंज किए होंगे तो वह फिर से रजिस्टर पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि लॉगिन पर हम लोग क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन सक्सेसफुल लिखेगा। अगर आप यूजर नेम या पासवर्ड कुछ गलत भरते हो तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल नहीं लेगा और आपका वार्निंग मैसेज देगा। इसके बाद यह स्क्रीन आपका ओपन होगा। कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, मेक फी पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। आपका मेक फी पेमेंट वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ करने के बाद आप यहाँ पर कंपार्टमेंटल साइंस, इंप्रूवमेंट साइंस या जिस कैटेगरी के होंगे वह आप दीजिए। सीधे आपका पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे अगर वह बंदा इंटरमीडिएट साइंस BEBC SC ST कैटेगरी का होगा तो ऑटोमेटिकली 2446 रुपया। यदि यहाँ पर आप एक्स स्टूडेंट चूज करते हैं तो 1160 रुपया। यदि आप कंपार्टमेंटल साइंस चूज करते हैं 1030 रुपया। इम्प्रूवमेंट चूज करते हैं 1840 रुपया। अगर वह जनरल कैटेगरी के होंगे तो 2706 रुपया ऑटोमेटिकली आपका डिस्प्ले करेगा। किस कैटेगरी में कितना पैसा लगेगा उसके लिस्ट भी आपके वेबसाइट पर दिए गए हैं कि अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फैकल्टी के स्टूडेंट्स का अलग अलग अमाउंट्स में पैसा लगेगा, जो आप आसानी से यह लिस्ट के द्वारा आप देख सकते हैं कि साइंस या कॉमर्स के विद्यार्थी को 2704 रुपया जनरल को लगेगा और EBC SC ST को 2446 रुपया लगेगा। आर्ट्स के जनरल BCA स्टूडेंट्स को 2694, EBC SC स्टूडेंट को 2434 रुपया लगेगा। एक्स स्टूडेंट में 2021 और 2022 के स्टूडेंट जो है वो फिलअप कर सकते हैं 1160 रुपया। इम्प्रूवमेंट वाले को 1840 और कंपार्टमेंटल वाले को 1030 रुपया पे करना होगा। करने के बाद जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा आपसे पूछेगा आर यू वांट टू कंटिन्यू। जैसे ही आप कीजिएगा वह आपका सब पैसा के डायलॉग बॉक्स पर आपका यहाँ से पेज सब पैसा पर चले जाएगा, जहाँ आप अपने कार्ड के अकॉर्डिंगली पेमेंट कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत, प्रत्येक कार्ड के लिए अलग अलग अमाउंट्स देने पड़ते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए 43.55 रुपया आपको पे करने होंगे। डेबिट कार्ड के लिए 37.16 रुपया पे करना होगा। रुपए कार्ड के लिए आपको 8.40 रुपया लगेगा। नेट बैंकिंग से यदि आप करते हैं तो वह बैंक पर डिपेंड करेगा किस बैंक पर के आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं। यानी साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप्स के UPI से भी पेमेंट को आप पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप रसीद को प्रिंट आउट कर लीजिएगा। करने के बाद यह फॉर्म आपके व्हाट्सएप ग्रुप और कॉलेज के वेबसाइट पर लगा हुआ, इसे आप डाउनलोड कर लें। करने के बाद इसे फॉर्म को आप सावधानी पूर्वक भरें। इसमें आपका सबसे पहले आपका कॉलेज कोड भरना है जो आपका 33001 है। नेम ऑफ द कॉलेज जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर है। BSEB यूनिक ID जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड पर लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन कार्ड मंडे से आपके कॉलेज में बटेगा और उस पर आपका यूनिक आईडी लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी उस पर लिखा हुआ है। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कास्ट कैटेगरी सब आप सावधानी पूर्वक भरें। आधार नंबर भी आप सावधानी पूर्वक भरें। सिग्नेचर अच्छा से करें। ईमेल आईडी, स्टूडेंट कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, स्टेंथ में आप किस बोर्ड से पास किए हैं, रोल कोड क्या था, रोल नंबर क्या था, ईयर क्या था। यदि कंपार्टमेंटल है कंपार्टमेंटल का इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट है
सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन आप सावधानी से भरें। आर्ट्स के स्टूडेंट्स का अलग फॉर्म है, साइंस के स्टूडेंट्स का अलग फॉर्म है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स का अलग फॉर्म है। इन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें। भरने के बाद आप फॉर्म और जो आपने पेमेंट किया था पेमेंट रिसीट और साथ ही साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट के साथ आप कॉलेज के काउंटर पर सोमवार को या मंगलवार को आप अवश्य जमा कर दें। धन्यवाद।